यूट्यूब पे देखता हूँ मैं भी इस्लामिक चैनल को, तो उनमें से एक बंदा है, वो थोड़ा मुझे लॉजिकल लगा। उसका नाम है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा। तो ये वीडियो उसी के लिए है। वैसे तो कोई भी उत्तर दे सकता है, सबकी छूट है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब के सब वैज्ञानिक ढंग से। हवाई फायर तो पुराणों में इतने हैं, कैसे तो फिर तो पता नहीं क्या क्या ईश्वर के जान के ऊपर लांछन लगा रखे हैं आदि आदि। तो वैज्ञानिक ढंग से तो मैं चाहता हूँ कि जो मोहम्मद अली मिर्जा है वो इन बातों का उत्तर दे, या फिर कोई और भी दे सकता है, कोई ऐसी समझ वो नहीं है, बस ढंग से उत्तर दे कि आदमी को सुनने में लगे हाँ ये आयत ऐसे होगी। तो कुछ आयतें हैं, उनकी तफ्तीश है, तो शुरू करते हैं। कुरान सूरा अल अंबिया आयत है 29वीं, 29। क्या काफिरों ने नहीं देखा, अल्लाह ने क्वेश्चन किया है, क्या काफिरों ने नहीं देखा कि आसमान और जमीन दोनों मिले हुए थे, बस हमने दोनों को खोल दिया और हमने पानी से हर शय को जिंदा किया, तो क्या फिर भी वह इंसान ईमान नहीं लाते। तो इसमें क्या समस्या है इस आयत में, क्या काफिरों ने नहीं देखा, अल्लाह क्वेश्चन करता है कि जमीन और आसमान मिले हुए थे, क्या काफिरों ने नहीं देखा। तो जो अल्लाह को ना माने, मोहम्मद को रसूल ना माने, जिब्रील मिकाइल को ना माने कि ये हैं भी या नहीं भी, वो काफिर होता है, सीधी बात यही है। सूरह अल बकर में इस बात का जिक्र है। तो क्या काफिरों ने नहीं देखा, तो हम काफिर हैं, मैं तो नहीं मानते इन चीज़ों को इस्लाम के अकॉर्डिंग। तो भाई नहीं देखा हमने जमीन आसमान मिले हुए थे, तो धरती पे ये बता दो कौन सा मुस्लिम है, चाहे वो पैगंबर मोहम्मद हो, उसने देखा। तो मुझे ये बताओ कि किसने देखा कि धरती आसमान मिले हुए थे, कि अल्लाह स्पेशल कह रहा है कि काफिरों को, क्या तुमने नहीं देखा जमीन आसमान मिले हुए थे। और इसमें कोई अलंकार मेटाफर सिमिले आदि आदि भी नहीं है, सीधा क्वेश्चन पूछा गया है, क्या तुमने नहीं देखा। तो मुस्लिमों ने भी नहीं देखा, काफिरों क्या बात है। और ये बात संभव ही नहीं, क्योंकि कुरान में है कि जमीन और आसमान मिले हुए थे। आसमान का सिस्टम बाद में लेंगे, अभी सिर्फ इसी क्वेश्चन का ही हम समीक्षा करेंगे कि जमीन आसमान मिले हुए थे, अल्लाह ने उनको खोल दिया, अलग अलग किया, फिर उसकी धरती की मिट्टी से आदम बनाया गया, फिर हवा बनी, फिर उनको इबलीस ने बहका दिया, धरती पे आ गए, फिर मनुष्य जाति चली इस्लाम के अकॉर्डिंग। तो वहां पे कोई था ही नहीं, तो ये क्वेश्चन तो वैसे मुस्लिमों से भी नहीं बनता अल्लाह का, क्या तुमने नहीं देखा, और मुस्लिम कहते हाँ हमने देखा था, हमने तो काफिरों ने नहीं देखा, कोई भी नहीं है ऐसा। मैंने बहुत सारे मुस्लिमों से पूछा क्या तुमने देखा था, वो कहते नहीं देखा। वो देखते भी कैसे जब कोई था ही नहीं, धरती आसमान जुड़े हुए थे तब। तो ये जमीन और आसमान की जो यानी पैदाइश वाला मामला है, क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स है, ये तमाम की तमाम चीजें आज जिस तरह सामने आई, उनसे एक स्टेप भी जरूर तय हुआ है। अगर किसी शख्स को ये पता चला कि सूरज मशरक से निकल के मगरिब में गुरूब होता है, इस कानून के पता चलने से, क्या इस कानून ने सूरज को बनाया? ये कानून जो है ये यानी क्रिएटर ऑफ सन तो नहीं है ना, इससे आपको सिर्फ उसके बारे में हैत का पता चल गया। अगर हमारे पुरखों को नहीं पता था कि अंडा कैसे मुर्गी के पेट में बनता है, और आज हमने दरियाफ्त कर लिया कि किस किस तरीके से बन के वो कैसे बाहर निकलता है, तो इस प्रोसीजर के पता चलने से क्या हम ये कहेंगे कि इस प्रोसीजर ने अंडे को बनाया? ये तो ये एक्सप्लेनेशन है उसके बनने के तरीके की। इसको बना रहा कौन है, वो तमाम रास्तों से गुजारता कौन है, कौन डिसाइड करता है कि अंडा ही बन के निकलेगा, ये तो कोई और चीज है। उसके ऊपर साइंस फिर कहते थे इट इज फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर। साइंस ने अपनी आरजी तस्लीम कर ली है, वो मैं इंशाल्लाह आखिरी पॉइंट में बताऊंगा। तो वो जो हिंदू भाई ने इतराज किया था, वो सूरतुल अंबिया की आयत है, आयत नंबर 30, पारा नंबर 17 के अंदर, जो पहला उनका इतराज था। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अवलम यरल्लज़ीना कफरू अन्नस समावाति वल अर्द, क्या काफिरों ने यह नहीं देखा, लफ्जी तर्जुमा तो यह बनेगा, बा मुहावरा तर्जुमा होगा, क्या काफिरों ने नहीं जाना,
उनके इल्म में ये बात नहीं आई, अन्न समावाति वल अर्द, के आसमानों और जमीन यानी सारे आसमान और जमीन, कानता रतकन, ये आपस में गुने हुए थे, मिले हुए थे, फफतकनाहुमा, तो हमने इनको फाड़ कर जुदा कर दिया, वजअलना मिनल मा कुल्ल शयइन हय, और हमने हर जिंदा चीज को पानी से पैदा किया, अफला युमिनून, क्या अब भी ईमान ना लाओगे? इस आयत को उस हिंदू ने कोट किया, उसने कहा ये जो कुरान दावा कर रहे हैं कि तुमने नहीं देखा, तो कह रहा हमने वाकई नहीं देखा, हमारे सामने तो जमीन और आसमान फट के जुदा नहीं हुए। और उसने अगला सवाल किया, क्या मुसलमानों ने ये मंजर देखा है, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ये मंजर देखा हुआ है? तो मेरे भाई, कहां मुसलमानों का दावा है कि हमने ये मंजर देखा है? ये लिटरेचर की जुबान में बात हो रही है कि तुम्हारे इल्म में ये जमीन और आसमान की क्रिएशन जो नजर आ रही है, ये क्या इस चीज का सबूत नहीं है कि इसको किसी ने बनाया है? इससे मुराद ये नहीं कि वो जो फिजिकल वाकया परफॉर्म हुआ था वो किसी ने देखा था। क्यों? क्योंकि कुरान हकीम खुद ही इस चीज को एड्रेस करता है, सूरह हामीम सजदा सूरत नंबर 41 में आयत नंबर 9 से लेकर 12 तक अल्लाह ताला खुद तरतीब बता रहा है कि हमने पहले जमीन को पैदा किया, फिर आसमानों की तरफ मुतवज्जे हुए, आसमानों को पैदा किया, फिर जमीन में अल्लाह ताला ने रिसोर्सेज रखे, इसमें अल्लाह ताला ने मखलूकात पैदा की, ये सारी तरतीब तो खुद कुरान बता रहा है सूरह फुसिलत सूरह हामीम सजदा के अंदर कि क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स के बाद इंसान पैदा हुआ है। तो ज़ाहिर है ये सवाल ही इनवैलिड हो जाएगा कि इंसान से ये पूछा जाए कि तूने क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स देखी है। तो ये है कि क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स जो हो चुकी, वो जो तुमने देखी, उसके जरिए उसके क्रिएटर को पहचाना, ये कहने का मकसद है। अल्लाह ताला सूरह निसा की आयत नंबर 82 में इरशाद फरमाता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बहुत जबरदस्त आयत है, ये सारे के सारे मामले को खोल के बयान करेगी कि कुरान हकीम को आपने लिटरेचर की जुबान में समझना है। अफला ये तदब्बरून अल कुरान, क्या लोग कुरान पर तदब्बर नहीं करते? डीप थिंकिंग करो कुरान पर। वलौ काना मिन इंदी गैरिल्लाह, अगर ये अल्लाह के अलावा किसी और हस्ती की तरफ से होता, लवजदू फी इख्तिलाफन कथीरा, तुम उसमें बहुत इख्तलाफ पाते। पहले सफे पे और बात हुई हुई है, जाके 50वें सफे पे और बात हुई होती, इंसान तो भूल जाता है पहले क्या कह के आया था। पहले सफे पे लिखा होता इया का नाबुदू वाइया का नस्तईन, और 50वें सफे जाके याली मदद भी लिखा हुआ होता, तो ये तो नहीं होगा। कुरान में अगर शुरू में हुआ है कि अल्लाह ही की इबादत, उसी से मदद मांगनी है, जाहिर ये सबाब नहीं, वो तो फिजिकल फिनोमिना ऑफ नेचर के साथ अल्लाह ने चीजों को जोड़ा है, गायब में मदद दुआ के लिए पुकारना, तो आखिरी सफे तक अल्लाह ही को पुकारना होगा दुआ में। अल्लाह ताला माता ये तदब्बुर करो, इसकी सच्चाई होने की दलील यह है कि अल्लाह के अलावा किसी और की तरफ से होता ना, तो इसकी आयात आपस में टकरा रही होती, बहुत इख्तलाफ होता, तो ऐसा नहीं है। आपको बजाय टकराती भी नजर आती है, लेकिन जब आप कॉन्टेक्स्ट देखते हैं, सारी आयात को एक जगह जमा करते हैं, तो आपको बात समझ आ जाती है। क्यों? कुरान बार बार ये बात रिपीट करता है मुख्तलिफ अंदाज में, और पारा नंबर 28 के अंदर जाके तो बड़ा क्लियर कट आया, लिमतकूलून माला तफअलून, तुम वो बात क्यों करते हो, क्यों कहते हो वो बात जो खुद नहीं करते, यानी कॉल और फेल में तजाद नहीं होना चाहिए। तो जब अल्लाह हमें ये कह रहा है, तो अल्लाह के कॉल और फेल में भी तजाद नहीं होगा। कुरान अल्लाह का कॉल है, और ये पूरी यूनिवर्स अल्लाह का फेल है, कॉल और फेल में तजाद नहीं हो सकता। हाँ ये हो सकता है कि साइंस अभी उस लेवल तक ना पहुंची, उसको बजायर तजाद नजर आ रहा हूं, इसलिए हम कहते हैं कुरान हकीम की कोई एक आयत भी एस्टेब्लिश साइंस के खिलाफ नहीं होगी, हाइपोथेसिस के खिलाफ हो सकती है, क्योंकि साइंस ने कई दफा यू टर्न भी लिया, तो हाइपोथेसिस अलग चीज है, एस्टेब्लिश साइंस जो फैक्ट्स है, फैक्ट ऑफ क्रिएशन है, जो एस्टेब्लिश हो चुकी भी है, उसके खिलाफ कभी भी कुरान हकीम की कोई आयत नहीं होगी। तो ये कुरान हकीम में यानी गौर तफक्कुर करना चाहिए, अगर ये अल्लाह के अलावा किसी और की तरफ से होता, फिर ये इख्तलाफात होते। कुरान जगह जगह अब ये फैक्ट एस्टेब्लिश कर रहा है कि क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स इंसान की क्रिएशन से पहले हुई है, तो अब जब कुरान ही ये बात करेगा, क्या काफरों ने नहीं देखा कि जमीन आसमान मिले हुए थे, हमने इनको फाड़कर जुदा किया, तो ये नहीं कहना चाह रहा होगा कि फिजिकल ये मंजर देखा, वो कहना चाह रहा होगा कि ये हमारी कुदरत है कि अल्टीमेटली जो कायनात तुम्हें सामने नजर आ रही है, ये हमारी कुदरत का मंजर है, इसे देखो और खुदा तक पहुंचो। ठीक हो गया, तो ये लिटरेचर की जुबान में बात हो रही है।